हम आपके लिए ला रहे हैं इंडिया स्पीक्स मासिक पत्रिका। इसमें हम आपको रूबरू कराएंगे बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर, सामाजिक मुद्दों पर हमारी पैनी नजर, अर्थ जगत से जुड़ी ढेरों जानकारियां, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से गुजरात तक, आपके विचारों का आईना। पढ़िए इंडिया स्पीक्स मासिक पत्रिका। खम शिक्षा अधिकारी की लीड पर लगा है अवैध वसूली का आरोप, शिक्षकों ने दी है बीएसए को लिखित में शिकायत, देखें होगी कार्रवाई या मिलेगा कार्रवाई का झंझना। जी आप बीएसए कार्यालय में आए, किस बात की शिक्षकों की शिकायत लेके आए और क्या है पूरा मामला? सर ऐसा है, हमारे यहाँ मैं चंद्रमोहन हूँ, प्राथमिक स्टेशन का मैं मंत्री हूँ पूरे ब्लॉक का। हमारे यहाँ जो है जो खंड सरकारी हैं जीपी गौतम जी, भ्रष्टाचार की सारी हद उन्होंने पार रखी है। हर अध्यापक से इसमें एक फर्जी प्रतियोगिता करा रहे हैं, वो कुछ प्रतियोगिता उसके नाम पर हर अध्यापक से 500-500 रुपये वसूल रहे हैं और लगभग 250 में से 200 लोगों से वो पैसे ले चुके हैं। बाकी 50 टीचर पैसे नहीं दे रहे हैं, जो मतलब जो है अपने आप समझते हैं कि मुझे नहीं देना चाहिए, तो वो कह रहे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा वेतन रोक दूंगा। तो मैंने इसकी शिकायत बीएसए से करने आया हूँ मैं, ताकि आप इसको रुकवाइए और जिन्होंने पैसे जिनसे ले लिए हैं उनके वापस कराए जाएँ। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं 24 तारीख को यहाँ पे आ दूँगा। अच्छा, जैसे कि पैसे अगर मानो वापस कर देते हैं तो क्या आप उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? उनको यहाँ से हटाया जाए, तुरंत तत्काल हटाया जाए, उनके साथ एनपीआरसी लगे हुए, एनपीआरसी स्कूल भेजा जाए, वो वहाँ बैठ दलाली करते हैं और पैसों को वसूल करते हैं, टीचरों को धमकाते हैं। अच्छा, एनपीआरसी कौन कौन है? एनपीआरसी सुरेश दोहे है और एक श्यामाचरण है, इस टाइप से और भी सारे एनपीआरसी हैं, उनके वो भी टीचर हैं। मैं उनके सबके ज़्यादा नाम लेना नहीं पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जांच कराएं और जो भी एनपीआरसी इसमें लिप्त हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको वहाँ से हटाया जाए। और जीपी गौतम का तो ट्रांसफर भी हो चुका है यहाँ से, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं और पैसे वसूलने में लगातार लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा तो नहीं लग रहा है उच्च अधिकारियों का? हो सकता है उच्च अधिकारियों का संरक्षण हो, उसमें मैं इससे किससे मना करता हूँ नहीं हूँ। जिसका ट्रांसफर 6 आज 15-20 दिन हो गए हैं और आज तक रिलीव नहीं किया गया है, तो उच्च अधिकारियों का संरक्षण है ये।